नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। मौसम विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से यास साइक्लोन को लेकर चेतावनी दी गई है। देश के कोस्टल इलाकों में तो उसका असर दिखाई दे ही रहा है, लेकिन साथ साथ बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ बिहार के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है तो आपको भी ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है और कैसे बचाव किया जाएगा पूरे बिहार का यास साइक्लोन से। चक्रवाती तूफान यास से निपटने की राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है। आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार में 27 से 30 मई तक आंधी तूफान, वज्रपात तथा भारी बारिश की आशंका है। इसे देखते हुए सभी डीएम को सतर्क कर दिया गया है। ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 22 टीमों को तैयार कर लिया गया है। जहां पर तूफान का असर सबसे अधिक होगा वहां इन टीमों को तत्काल भेजा जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर तथा ऊर्जा सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने भी अपने विभागों से संबंधित तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। उधर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर निकायों के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर यास के चलते संभावित भारी बारिश को लेकर आगाह किया है। उन्होंने राज्य के नगरीय क्षेत्रों से सुगमता पूर्वक जल निकासी के निर्देश दिए हैं। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूरे राज्य में हाई अलर्ट है। आपदा विभाग के साथ ही मौसम विभाग ने भी लोगों से घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। बंगाल की खाड़ी से झारखंड होता हुआ तूफान बुधवार को राज्य के दक्षिणी हिस्से में प्रवेश करेगा। इन्हीं इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा, हालांकि प्रभावित पूरा बिहार होगा। राज्य में यास का सबसे ज्यादा असर 27 और 28 मई को दिखने जा रहा है, यानी कि कल और परसों के दिन आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यास का असर मंगलवार दोपहर से ही पूरे राज्य में दिखने लगा था। खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, जमुई, नवादा, मुंगेर, पटना और मोकामा के साथ साथ सुपौल में हल्की हवा के साथ छिटपुट बारिश भी हुई थी। अन्य इलाकों में भी बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश के हर हिस्से के लिए 30 मई तक के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, में गर्जन, ओलावृष्टि, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश भर में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई है और एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की करीब 22 टीमों को तैयार किया गया है ताकि इस आपदा की घड़ी में कोई भी ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, ज़्यादा नुकसान ना पहुँच सके। इसको लेकर तैयारियां पुख्ता है और सभी विभाग के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव जो है वो तैयारियों को लेकर काफ़ी सजग है। लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। हम भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा कोई असर ना पड़े, लेकिन जब कहा गया है सावधान रहने के लिए तो आप ज़रूर से ज़रूर सावधान रहें। हालाँकि कोरोना की वजह से लोग घरों के भीतर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इन दिनों किसी भी ज़रूरी काम, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कहा गया है कि घर के भीतर रहना ही इन दिनों सबसे ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।